गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खबर। सुब्रमण्यम स्वामी ने कल एक लाइव में एक बहुत बड़ी जानकारी दी है। उनका कहना है कि मैं ये सुसाइड थ्योरी को नहीं मानता, एम्स की रिपोर्ट इनकम्प्लीट है, क्योंकि एम्स के पास कभी कोई बॉडी थी नहीं सुशांत सिंह राजपूत की, जिससे वो ये बता पाते कि ये एक सुसाइड है। कूपर हॉस्पिटल ने जो दिया उन्होंने उसी को आगे परोस दिया, ये कहना है सुशांत सिंह राजपूत केस में सुब्रमण्यम स्वामी जी का। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बड़े डिटेल वे में पूछा कि जब आपके पास विसरा सैंपल प्रिजर्व ही नहीं था तो आपने कैसे ये बता दिया कि ये सुसाइड है। आपके पास बॉडी नहीं थी, आपके पास रिपोर्ट कंप्लीट नहीं थी, आपके पास कोई भी पुख्ता जानकारी ही नहीं थी। इवन सुनंदा पुष्कर केस में तो ये रूम पूरा 3 साल सील रखा गया था, जबकि सुशांत सिंह राजपूत केस में रूम कभी भी सील नहीं किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा शक सुशांत सिंह राजपूत केस में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कल जो सवाल उठाया वो पूरी दुनिया को हिला देगा। वो सवाल ये है कि क्या मर्डरर सुशांत सिंह राजपूत के कबर्ड में था जिसने सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किया। स्वामी जी का कहना है वो कबर्ड के अंदर तो नहीं था जो भी सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में इन्वॉल्व है, उनका ये मानना है, क्योंकि ये एक मिस्ट्री थियोरी की तरह दिखाया जा रहा है जैसे फिल्मों में होता है मर्डर मिस्ट्री। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डरर कबर्ड के अंदर ही बैठा था और उसने जैसे ही मौका लगा बाहर निकल कर आया और सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किया और निकल गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कही सुशांत सिंह राजपूत केस में। उन्होंने कहा कि मैं हेल्थ मिनिस्ट्री से बात करूंगा क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं एम्स की रिपोर्ट से, और दोबारा इस रिपोर्ट को चेक करने को और दोबारा इस रिपोर्ट पर काम करके नई रिपोर्ट देने को कहूंगा। उनका ये भी कहना है कि अभी तक CFSL की एक रिपोर्ट नहीं आई है, CBI ने किसी चीज़ में क्लैरिटी नहीं दी है। तो फिलहाल के लिए ये जो सुसाइड थियोरी है मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता और मेरे हिसाब से ये 100% मर्डर है। ये कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का सुशांत सिंह राजपूत केस में। आज सुबह सुबह अभी भी उन्होंने कुछ देर पहले ही एक रिप्लाई किया एक ट्वीट पर कि वो जूस, जिस जूस की बात करी गई थी कि कुक ने पिलाया था, उस जूस का ग्लास कहाँ है, वो जूस का ग्लास संभाल कर क्यों नहीं रखा गया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कल उठाए सुशांत सिंह राजपूत केस में। तो होपफुली आज इस केस में बहुत सारे सवाल जवाब और डेवलपमेंट्स होंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। धन्यवाद।